नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज प्राइवेटाइजेशन, चैप्टर का नेम क्या है? ओके, नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन मीन्स दैट द प्रोसेस इन विच ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट अंडर द स्टेट कंट्रोल. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इज अंडर द विच कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल, स्टेट के कंट्रोल में होगा. ओवर द ट्रांसफर टू अ प्राइवेट सेक्टर दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? ओके, ऑनरशिप और मैनेजमेंट तो होता है इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल यूनिट्स का, बट जो कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है? स्टेट के पास. और इस टाइप के स्टेप को या तो सेक्टर को हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन. क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन. मेथड्स, फर्स्टली दोस एरिया विच आर रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर आर ओपन्ड फॉर द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेटाइजेशन में किया क्या गया? जो ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे वैसे एरिया को ओपन कर दिया गया. किसके लिए? प्राइवेटाइजेशन के लिए. जैसे कि एक रिसेंट आपको एग्जाम्पल दूँ तो बस स्टैंड ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा बस स्टैंड दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का था. पहले आप जाते थे ना बस स्टैंड, अगर बहुत छोटे थे शायद इस वक्त आप, तो आपको दिखने लायक भी नहीं था, वो उतनी गंदगी थी. बट प्राइवेटाइजेशन की वजह से अभी वो मॉल जैसा दिख रहा है. कितना एकदम अच्छे से एग्जीबिशन है, सिक्योरिटी है. देन तो वो किसकी वजह से डेवलप हुआ? प्राइवेटाइजेशन की वजह से. तो वो ओपन कर दिया गया फॉर प्राइवेट सेक्टर. स्टेट कीप्स द ऑनरशिप ऑफ द स्टेट ऑन कंपनीज अंडर द कंट्रोल एंड गिव्स द चार्ज ऑफ मैनेजमेंट टू प्राइवेट कंपनीज, और स्टेट कीप्स मैनेजमेंट इन इट्स ऑन हैंड एंड गिव्स द ऑनरशिप टू प्राइवेट कंपनी. स्टेट दो तरीके से काम कर सकता है. एक तो पहले अपने खुद की जो कंपनी है ना उसका कंट्रोल अपने पास रखेगा, और ऑनरशिप और मैनेजमेंट किसको दे देगा? प्राइवेट कंपनी को. क्लियर है? या तो फिर क्या करेगा, मैनेजमेंट अपने पास रखेगा और ऑनरशिप किसको दे देगा? प्राइवेट कंपनी को. क्लियर है? मतलब टोटली नहीं देगा पावर, वो एक पावर अपने पास रहेगा और दूसरे पावर्स प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट कंपनी को दे देगा. इससे एडवांटेज क्या हुआ? देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इन अ इंडस्ट्रियल सेक्टर. नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स क्या हो गए? इंक्रीज हुए. नंबर टू, प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज इन अ कैपिटल इंटेंसिव एंड कंज्यूमेबल कमोडिटीज ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन. प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ कहाँ पे? कैपिटल इन्वेस्ट इंटेंसिव एंड कंज्यूमेबल कमोडिटीज, जो ऑलरेडी कैपिटल इन्वेस्ट था. ओके, एज वेल एज जो कंज्यूमेबल कमोडिटीज थी. कमोडिटीज दैट मीन सब्सटेंसेस, थिंग्स, प्रोडक्ट्स, है ना, विच आर व्हाट? कंज्यूमेबल. वो उसमें इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन ड्यू टू द व्हाट? प्राइवेटाइजेशन. वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज इम्प्रूव ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. वर्किंग कैपेसिटी क्या हो गया? इम्प्रूव हुआ. देन डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इकोनॉमिक पावर हैज सेंट्रलाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन. जो इकोनॉमिक पावर था, मतलब इकोनॉमिक दैट मीन्स आपको पता है करेंसी. ओके, दैट पावर कैन बी सेंट्रलाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन की वजह से वो क्या हो गया? सेंट्रलाइज हो गया. ओके, डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्या है? इकोनॉमिक पावर हैज सेंट्रलाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन. इकोनॉमिक पावर सेंट्रलाइज हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ विच एविल ऑफ मोनोपोली हैज इंक्रीज्ड. एविल मतलब कि दुश्मन, राक्षस. ओके, मोनोपोली. प्राइवेटाइजेशन है ना, तो प्राइवेटाइजेशन ऑलवेज मोनोपोली होता है. प्राइवेट सेक्टर में ऑलवेज क्या होता है? मोनोपोली. अभी मैंने भी मोनोपोली दिखाया. कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन. कॉटेज इंडस्ट्री दैट मीन्स इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन कॉटेज, मतलब की क्लोथ्स. ओके, कॉटेज में से क्या बनता है? क्लोथ. तो ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ. ओनली लार्ज इंडस्ट्री हैव बीन बेनिफिशियरी. बेनिफिट किसका हुआ? सिर्फ और सिर्फ लार्ज इंडस्ट्री को. प्राइसेस हैव नॉट रिमेंड अंडर द कंट्रोल ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन एंड दिस हैड लेड टू प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज. और प्राइवेटाइजेशन जब हुआ तो प्राइस में कंट्रोल नहीं कर पाए हम, जिसको प्राइवेट कंट्रोल तो गवर्नमेंट का था ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर का था. और प्राइवेट सेक्टर जब रन कर रहे थे तो उन्होंने अपना प्राइस रखना स्टार्ट कर दिया.
और इसलिए इस प्राइस को हम कंट्रोल नहीं कर पाए और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई किसके, प्राइस राइज के। तो योर नेक्स्ट चैप्टर इज प्राइस राइज। देखो इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उसमें हम प्राइस राइज के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेकंड सॉरी थर्ड दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन कंट्री इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। एक कंट्री के इकोनॉमी को दूसरे इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करने को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ विच फ्लो ऑफ गुड्स सर्विस टेक्नोलॉजी एंड लेबर इज इजिली अवेलेबल फ्रॉम दी इन दी वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से कंट्री कंट्री के बीच में क्या होने लगा, किसका फ्लो होने लगा, फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेस टेक्नोलॉजी लेबर इजिली अवेलेबल इन दी वर्ल्ड। यहाँ से लोग जाते हैं फॉरेन कंट्री में किसके लिए, सर्विस देने के लिए, फॉर दी जॉब। हम जॉब करने जाते हैं मतलब कि उनके लिए क्या कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। यहाँ से गुड्स जा रहा है दूसरे कंट्री में और दैट इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। उसी को सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ग्लोबलाइजेशन। नाउ फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट्स हैव टेकन प्लेस ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। नंबर वन, ऑब्स्टेकल ऑफ ट्रेड बिटवीन द टू नेशंस हैव बीन। ग्लोबलाइजेशन जैसे बढ़ता गया तो दो नेशंस के बीच में जो ऑब्स्टेकल्स थे वो क्या कर दिए गए, रिमूव। जैसे कि अगर हमारा अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेडिंग एक्टिविटी इतना ज़्यादा नहीं है, बट अगर कोई यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो पाकिस्तान में नहीं हो, पाकिस्तान को उसका नीड है, या फिर पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो इंडिया में नीडेड है, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ेगा और ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ेगा तो हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग करना है हमें एक दूसरे के साथ, क्लियर है। तो वैसे करके ऑब्स्टेकल्स जो होते थे जो दो नेशन के बीच में, उस वो क्या हो गए, ग्लोबलाइजेशन की वजह से रिमूव हो गए। सच अ कंडीशन हैज बीन क्रिएटेड सो दैट कैपिटल एक्सचेंज कैन बी इजीली टेक प्लेस बिटवीन टू नेशंस। दो नेशंस के बीच ऐसे कंडीशन सामने आ गए और फिर ऐसे कंडीशन डेवलप किए गए ग्लोबलाइजेशन की वजह से कि जिसकी वजह से जो कैपिटल था वो इजीली क्या होने लगा, दोनों नेशंस में एक्सचेंज होने लगा। ऑब्स्टेकल्स इन अ वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बीन रिमूव। एक कंट्री दूसरे कंट्री का टेक्नोलॉजी यूज करने लगी, जैसे मैंग्लेव ट्रेन, मैग्नेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन बोलते हैं जिसको, जापान का टेक्नोलॉजी है बट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन इंडिया इन दिस टाइम। ओके, हम उसमें उसको डेवलप कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का भी क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर में भी देयर अमोंग डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे कुछ वर्ल्ड नेशंस भी है वर्ल्ड में जिसमें फ्री एक्सचेंज होता है, किसका, लेबर का। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मिक्स्ड इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव बीन देयर इन अ इंडियन इकोनॉमी। मैनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आर देयर विच आर एज फॉलो। एडवांटेजेस, नंबर वन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इज इंकरेज्ड ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। वो बढ़ गया किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नंबर टू, गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ डेवलप्ड कंट्री कैन इजिली बी ऑब्टेंड ड्यू टू, जो भी गुड्स डेवलप्ड हुआ, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ डेवलप्ड कंट्री में वो दूसरे नेशंस में चला गया ड्यू टू वर्ड ग्लोबलाइजेशन। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक द इंडिया कैन विथस्टैंड इन कंपटीशन एट अ इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्री थे वो डेवलप्ड कंट्री के सामने वर्ल्ड लेवल पे क्या हुए, कॉम्पिटिशन करने लगे। डिसएडवांटेज, Expected success has not been attained in a finding the solution to problems of poverty and unemployment due to the globalization. हमारा पहले एम ऐसा रहा था ग्लोबलाइजेशन के पीछे कि जो पॉवर्टी है वो रिमूव हो जाएगी, या तो फिर ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन नए नए कंपनी आएंगे, नए नए एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट हो गए, सब एम्प्लॉयमेंट्स के लिए नया नया जॉब क्रिएट होगा, बट वो ड्रीम हमारा सक्सेस हुआ नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी का जो प्रॉब्लम था वो ग्लोबलाइजेशन से सॉल्व नहीं कर पाए। डेवलपिंग कंट्रीज हैव नॉट एक्वायर्ड प्रॉपर बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट विच दे शुड हैव एक्वायर्ड। जो हमें मिलना चाहिए एक्सपोर्ट की वजह से बेनिफिट, वो हमें मिला नहीं। एक्सपोर्ट दैट मीन्स सेलिंग समथिंग टू फॉरेन कंट्री, और इम्पोर्ट दैट मीन्स बाइंग समथिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। Large scale industries have acquired more benefits while small scale industries have obtained less benefits. जो बड़े स्केल थे, बड़े स्केल मतलब कि बड़े
इंडस्ट्रीज थे उनको ज्यादा बेनिफिट्स हुआ, बट जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थे उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के लिए एग्जीबिशंस में ज्यादा पड़ता है, पता है ना, एग्जीबिशंस होते हैं उसके लिए खर्चा भी तो करना पड़ता है ना, तो बड़े कंपनीज थे वो एफोर्ड कर पा रहे थे, छोटे कंपनी एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनका ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का उन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नोन एज WTO, वैसे एक WHO है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन अ 1 जनवरी 1995, जस्ट 3 ईयर आफ्टर माई बर्थ। मैं किसी भी साल को ऐसे याद रखता हूँ, जैसे मेरा बर्थ है 1992, मैं याद रखता हूँ 3 साल बाद हुआ था एस्टैब्लिश। तो आपको याद रखना है कि अगर आपका 2005 है तो आपके बर्थ से 10 ईयर पहले हो गया था, अकॉर्डिंग टू यू कैन रिमेम्बर। ओके चलो, दैट इज मेंबर ऑफ नेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन, इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जिनीवा विच इज इन स्विट्जरलैंड, इट्स ऑब्जेक्टिव आर एज फॉलो। काफी बार पूछा गया है वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है। सो ऑब्जेक्टिव है टू रिमूव ऑब्स्टेकल इन्फ्लुएंसिंग इन ग्लोबल ट्रेडिंग। ग्लोबल ट्रेडिंग में कंट्री कंट्री के बीच में, नेशन नेशन के बीच में जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं उसको क्या करना है, उनको एलिमिनेट करना है, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन। नंबर टू, टू रिमूव द प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्री ऑफ कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के लिए जो भी पॉलिसी बनाए गए कंट्री में उसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन पॉलिसी जो थे उसको क्या करना है, रिमूव करना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। थर्ड वन, टू कोऑर्डिनेट विद द ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, सबको कोऑर्डिनेट करना है, जो भी कंट्रीज ग्लोबल ट्रेड में एक्टिव है सबको कोऑर्डिनेट करना है विद ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, एंड टू सॉल्व द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन द वर्ल्ड। जो भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम्स नेशन नेशन के बीच में आते हैं उसको उसको क्या करना होता है, डिस्प्यूट्स मतलब कि सॉल्व करना होता है, रिजॉल्व करना होता है। व्हाट इज द फंक्शन, सो टू सेटअप एन एक्वायर स्ट्रक्चर, सॉरी टू सेटअप अ रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट रिलेटेड टू मल्टीनेशनल ट्रेड एंड एग्रीमेंट रिलेटेड टू इट। उनका मेन फंक्शन है टू सेटअप द रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर, जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर है उसको सेटअप करना, फॉर वॉट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट रिलेटेड टू वॉट, मल्टीनेशनल ट्रेड, नेशन नेशन के बीच में होने वाला ट्रेड, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल ट्रेड, एंड एग्रीमेंट रिलेटेड टू इट, उसके रिलेटेड जो एग्रीमेंट है उसके बारे में उनको सेटअप क्रिएट करना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ विचुअल रोल फॉर द डिबेट एंड नेगोशिएशन फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड, वो एक प्ले रोल करता है किसके लिए, डिबेट एंड नेगोशिएशन। दो कंट्री के बीच में अगर डिस्प्यूट्स है, अगर प्रॉब्लम्स है ट्रेड को लेके, तो वो WTO उसको क्या करता है, सॉल्व करता है डिबेट एंड नेगोशिएशन से। WTO एनकरेज द अनबायस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, वो अनबायस्ड इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसको इंकरेज करता है, मतलब कि ग्लोबल ट्रेडिंग को बढ़ाने में कंट्रीज को क्या करता है, इंकरेज करता है। फिर डिफरेंट नेशंस फॉलो देयर ऑन नेशनल पॉलिसी, अलग अलग नेशनल पॉलिसी होगा सब नेशंस का, इंडिया का कुछ अलग पॉलिसी होगा, अमेरिका का कुछ अलग पॉलिसी होगा। यस, इट ऑब्जर्व देम एंड सजेस्ट रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट, वो सबसे पहले तो उनको ऑब्जर्व करते हैं और फिर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट का जरूरत है तो इम्प्रूवमेंट सजेशन कर देते हैं। क्लियर आता है।